हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब ऐप से लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं फ्री फायर मैक्स गेम को। कैसे आप यूट्यूब ऐप से कैसे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, डायरेक्टली यूट्यूब ऐप से ही आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जरूरत नहीं हो पड़ेगा। तो अगर आपके पास यूट्यूब ऐप है और यूट्यूब ऐप को मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप प्ले स्टोर से जरूर आप चेकआउट करें कि यूट्यूब ऐप को अपडेट दिखा रहा है या नहीं। अगर अपडेट दिखा रहा है तो जरूर से एक बार आप यूट्यूब ऐप को ही आप अपडेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप लाइव स्ट्रीम करने का ट्राई कीजिए। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब ऐप से ही फ्री फायर मैक्स गेम या कोई भी अदर्स गेम भी काफी आराम से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहे तो फेस कैम भी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, आपके जो मोबाइल का जो स्क्रीन है ये भी टोटल यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव भी हो जाएगा। तो वो कैसे, चलिए आगे बढ़ते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते। तो गाइस, सबसे पहले YouTube ऐप से लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपने YouTube चैनल पे, तो गाइस सबसे पहले YouTube ऐप को मैं ओपन में क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस वाला आइकन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लस वाला आइकन में टच करूंगा। प्लस वाला आइकन में टच करते आपको यहाँ पर मिलेगा गो लाइव का ऑप्शन। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो गो लाइव का ऑप्शन। तो गो लाइव ऑप्शन में हम टच करेंगे। गो लाइव ऑप्शन में टच करते ही यहाँ पर आप कैमरा ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्टली फेस कैम कैमरा से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप कैमरा को घुमा भी सकते हो। घुमा देंगे तो देखिए पीछे का जो भी सीन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा अंधेरा जैसा लग रहा है, लेकिन आप जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे तो ये क्लियरली हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फेस कैम लाइव स्ट्रीम नहीं करूँगा, हम यहाँ पर हमारे जो मोबाइल का गेम प्ले होगा वो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल का भी एक आइकॉन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको लाइव स्ट्रीम करने के लिए मोबाइल का स्क्रीन, अगर गेम प्ले आपको लाइव स्ट्रीम करना है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो मोबाइल का जो आइकॉन है इसी मोबाइल का आइकॉन में आपको टच करना है। आप देखेंगे आपकी जो मोबाइल का स्क्रीन टोटल इस टाइप का ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गेम का टाइटल आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर। तो जो भी आप गेम खेलेंगे उसी गेम का टाइटल आप लिख दीजिए। जैसे आप फ्री फायर गेम खेलेंगे या तो कोई भी अदर्स गेम खेलेंगे तो उसी गेम का टाइटल यहाँ पर दे दीजिए। जैसे हम यहाँ पर दे दिया हूँ लाइव स्ट्रीम गेम प्ले स्टार्ट गुरु। आप चाहे तो और भी अच्छा से आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर नीचे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको पब्लिक का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर पब्लिक और अनलिस्टेड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप गलती से भी अगर अनलिस्टेड कर देंगे तो आपके जो लाइव स्ट्रीम होगा सिर्फ उन्हीं लोगों को देखेगा जो आपने लिंक को शेयर करेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा अगर आप पब्लिक करेंगे तो सभी बंदा देख सकता है। शायद आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना जरूरी समझा। गाइस, इसके बाद आप देख सकते हो गेम टाइटल। गेम टाइटल में आप क्या देंगे, गेम टाइटल पे आप वही दीजिए जो गेम आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर फ्री फायर मैक्स को यहाँ पर दे दूंगा। तो फ्री फायर मैक्स यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो। अगर बाय चांस मान लीजिए कोई भी गेम सर्च करने पर भी नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम आ रहा है तो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स को दे देता हूँ गेम टाइटल में। गाइस, ये सब देना जरूरी है, नहीं तो आप नीचे देख सकते हो जो नेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पर मैं नेक्स्ट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन मतलब नहीं जा रहा है। तो इसलिए अगर आप बोलेंगे इतना सारा ऑप्शन क्यों देखा ना, यही जरूरी है मिनट मतलब ये जरूरी है, नहीं तो देखिए यहाँ पर नहीं जाएगा आगे नहीं जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑप्शन है, यही दो ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर नॉट सिलेक्टेड यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर टच कीजिए, यहाँ पर दिखा रहा है येस इट्स मोट फॉर किड्स या नॉट इट्स मोट नॉट फॉर किड्स। तो मैं यहाँ पर नीचे क्लिक करूँगा, ये जो लाइव स्ट्रीम का सभी के लिए गैस। तो इसके बाद नीचे दिखा रहा है कि यस जो ये मतलब ये जो लाइव स्ट्रीम है कि 18 प्लस कंटेंट या सभी लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन को आप जरूर से जरूर सिलेक्ट कीजिए, तब भी आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके लाइव स्ट्रीम के हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर गेम को लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर नीचे देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है, लेकिन मैं आपको और एक ऑप्शन दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर आपको ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मोर ऑप्शन मिलता है, मोर ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे फ्रेंड लोग करता क्या है कि मतलब आप गेम के बारे में लिख सकते हो या तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए या तो पेटीएम नंबर वगैरह ही बहुत सारे फ्रेंड लोग यहाँ पर दे देता है। मैं फिलहाल उसी टाइटल को यहाँ पर दे दूंगा, इससे में वीडियो को लाइव स्ट्रीम को रैंक करने में भी सुविधा होता है।
दोस्तों इसके बाद मैं आपको नीचे और भी काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो लोकेशन की लाइव स्ट्रीम को शेड्यूल भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर एडवांस सेटिंग में भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो अलाउ चैट, आप इसको बंद कर देंगे तो आपकी लाइव स्ट्रीम को भी चैट नहीं कर सकता है। तो मैं इसको ऑन रखूंगा, चैट करना चाहिए तभी तो अच्छा लगेगा लाइव स्ट्रीम करने में। और उसके बाद मैं बैक में क्लिक करूंगा तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं जो भी ऑप्शन था आपको मैं पूरा डिटेल्स में बता दिया। अभी इसके बाद आपको मिलता है थंबनेल लगाने का ऑप्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि थंबनेल एक बहुत ही लाइव स्ट्रीम के लिए व्यूअर्स को जो कि आकर्षित करता है। तो ऐसा आप थंबनेल क्रिएट करके रखिए जो कि देखते ही क्लिक करे और उसके मतलब देखे गेम को। तो थंबनेल कैसे लगाता है, थंबनेल लगाने के लिए सबसे पहले आपको पेन वाला आइकन आपको देखने को मिलेगा। पेन वाला आइकन में आप टच कीजिए, यहाँ पर आपको अपलोड ऑप्शन आएगा। अपलोड थंबनेल भी टच करते ही यहाँ पर जो भी आप थंबनेल अपलोड करना चाहती है उसी थंबनेल को आप यहाँ पर लगा दीजिए। मैं फिलहाल इसी फ्री फायर मैक्स थंबनेल को लगाऊंगा, उसके बाद ऊपर में सेव में क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर थंबनेल भी लग चुका है, सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी स्टार्ट करने का बारी आ चुका है गाइस। तो यहाँ पर मैं गेम जो कि लगभग यहाँ पर लैंडस्केप में ही ज़्यादा गेम प्ले होता है फ्री फायर मैक्स। तो अगर आप ऐसा गेम प्ले कर रहे हो जो कि लंबा लंबी स्क्रीन पर होगा तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा लैंड पर, क्योंकि मोबाइल जो कि ऐसा हो जाएगा इस, तो इसलिए मैं यहाँ पर लैंडस्केप में सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। और एक बार यहाँ पर गेट इट में हम क्लिक करेंगे और इसके बाद और एक बार स्टार्ट ऑप्शन आ जाएगा। और एक बार स्टार्ट में क्लिक करते ही यहाँ पर मैं मोबाइल को रोटेट कर लूँगा। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो फेस कैम भी लाइव स्ट्रीम हो सकता है। यहाँ पर ये जो बबल है, बबल भी देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है, इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी दिखेगा ये अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखेगा, तो इसलिए इसको आप बंद भी कर सकते हो। अगर ये जो लोगो है ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो इसको आप यहाँ से सेटिंग वाला जो ऑप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हो, सेटिंग वाला ऑप्शन में टच करके टोटल यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हो, एक साइड में छोटा और आप बड़ा यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एरो वाला बटन में टच कीजिए, ये हट जाएगा। उसके पहले आप एक बार आप फ्री फायर गेम को ऑन कर लीजिए, जिस गेम को आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो उसी गेम को ऑन कर दीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पर गो जो लाइव ऑप्शन देख सकते हो, गो लाइव ऑप्शन में आप टच कीजिए। गाइस यहाँ पर मैंने करते करते टच पड़ गया है, लेकिन आपको मैं यही बताऊँगा कि आप जब भी गेम मतलब रेडी हो चुका है, आप स्ट्रीम करने के लिए रेडी हो, तब भी आप गो लाइव में टच कीजिए, जो कि ऑलरेडी मेरे को यहाँ पर हाथ पर गया है। तो इस तरह से आप गेम को यहाँ पर लाइव स्ट्रीम शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टोटली लाइव होना स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर जीरो लाइक या जीरो यहाँ पर बंदा देख रहा है, कोई भी बंदा नहीं देख रहा है, ठीक है। फिलहाल ये जो चैनल है, मैं आपको यही बताऊँगा कि जो चैनल है ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, मतलब जो भी सब्सक्राइबर है वो हमारा चैनल पे लाइव देखना भी पसंद नहीं करते हैं शायद, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा अपना चैनल पे जाके। चलिए यहाँ पर जो लाइव तो यहाँ पर स्टार्ट हो ही चुका है, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मिनिमाइज़ करेंगे और अपना ये रहा यूट्यूब, यूट्यूब ऐप पर जाएंगे और ये रहा लोगो, हमारा चैनल का लोगो में टच करेंगे। योर चैनल पर जाएंगे, योर चैनल पे जैसे हम आएंगे वीडियो वाला ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फोन को थोड़ा मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, तो यहाँ पर अभी फाइनली देख सकते हो यहाँ पर लाइव चल रहा है जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। ओके गाइस, फ्री फायर मैक्स जो भी टाइटल मैंने यहाँ पर दिया था यहाँ पर आ चुका है। इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए जो मैंने मोबाइल की स्क्रीन में जो भी दिखा रहा है वही दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ गाइस, फिलहाल बैक करके मैं फ्री फायर गेम पे आ जाऊंगा। गाइस मैं आपको इसलिए आया क्योंकि लाइव स्ट्रीम को बंद कैसे करना है ये भी आपको मतलब जानना जरूरी है। गाइस लाइव स्ट्रीम को बंद करना बहुत ही सिंपल है, उसके पहले मैं आपको और भी कुछ सेटिंग दिखा देता हूँ। अगर आप लोगो में टच करेंगे तो आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है, चैट ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके चैट भर चुका है स्क्रीन में साइड में तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सेटिंग में जाके और भी काफ़ी सारा सेटिंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फेस कैम करना चाहते हो लाइव स्ट्रीम तो यहाँ पर आप जो वीडियो का जो आइकॉन है इसमें आप टच कीजिए, आपके कैमरा यहाँ से ऑन हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर मैं कैमरे को ऑफ करूँगा। अभी बात करते हैं अगर आप लाइव स्ट्रीम को ऑफ करना है तो सिंपली आप लोगो में एक बार टच कीजिए, यहाँ पर क्रॉस वाला आइकॉन आ जाएगा, क्रॉस में टच कीजिए और यहाँ पर ओके ऑप्शन आ जाएगा, स्टॉप स्ट्रीम बोल के यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पर ओके में जैसे आप टच करेंगे आपकी जो स्ट्रीम है यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से काफ़ी आराम से अपने यूट्यूब ऐप से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि जो भी मतलब आपके वाचिंग हुआ है, कितना लोग दिखा है, नहीं दिखा है, टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। अभी डन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से अपना यूट्यूब चैनल पे
अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बैक कर देता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको कहना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमारा यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर लोगो में आऊँगा तो यहाँ पर योर चैनल पर जाऊँगा। तो आप हमारा जो सब्सक्राइबर है, देखिए यहाँ पर टोटली 268 जो कि सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो इसी चैनल पे फिर भी यहाँ पर लाइव स्ट्रीम हो रहा है, जबकि यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे एक रूल्स है कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर है तब भी आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, अन्यथा आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। मतलब मैक्सिमम आपके 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए तब भी आप यूट्यूब ऐप से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनका 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है तो वो तो बंदा इस तरह से काफ़ी आराम से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन जिनका 1000 सब्सक्राइबर नहीं है वो भी लाइव स्ट्रीम कर सकता है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसा भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है जिसके द्वारा आप लाइव स्ट्रीम डायरेक्ट कर सकते हो, तो उसी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूंगा कि गाइस मेरा इस चैनल पे क्यों 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तब भी क्यों लाइव स्ट्रीम हो रहा है, क्योंकि गाइस जब ये यूट्यूब का रूल्स आया था तो वो जो ये जो हमारा जो चैनल उससे उसी रूल्स आने से पहले ही हमारा ये चैनल है क्रिएट हो चुका था। तो इसलिए यूट्यूब का जो 1000 सब्सक्राइबर वाला जो रूल्स है हमारा इस चैनल पर नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारा वो जो चैलेंज है जब यूट्यूब का ये रूल्स नहीं आया था उसके पहले ही हमने इन्हें इस चीज़ चैलेंज को क्रिएट किया था। तो इस टाइम जब मैंने क्रिएट किया उस टाइम कोई 1000 सब्सक्राइबर नहीं, 0 सब्सक्राइबर से भी हम लाइव स्ट्रीम कर सकते थे। तो उसी रूल्स के हिसाब से अभी भी मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो अगर आपकी ऐसा कोई जीमेल है जो कि बहुत 2-3 साल के पुराना जीमेल है जिसमें उसमें आप हो सके कि उसमें आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अगर आपने उसमें चैलेंज क्रिएट किया है तो, लेकिन फिर भी यहाँ अभी के ज़माने में कि अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से काफ़ी सारा ऐप है उससे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तब भी। लेकिन फिर भी अगर आपके, मैं आपको तो यही कहूँगा, देखिए गाइस लाइव स्ट्रीम करना किस लिए, गाइस लाइव स्ट्रीम करना इसलिए अगर आप व्यूअर्स के लिए, आपके सब्सक्राइबर के लिए। अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर ही नहीं है तो लाइव स्ट्रीम किस लिए गाइस। तो मैं आपको यही बताऊँगा, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, या तो 1000 सब्सक्राइबर टारगेट नहीं है, उससे भी ज़्यादा आप सब्सक्राइबर गेन कीजिए। मतलब वीडियो डालिए, अच्छा अच्छा गेम प्ले का वीडियो, या तो टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो, या तो कोई भी सर्चिंग टॉपिक का वीडियो आप डालिए अपने चैनल पे, सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली अपने आप ये बढ़ने लगेगा। उसके बाद जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा आप वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम को स्टार्टिंग कीजिए, ऐसे में आपके ही चैनल का भलाई होगा। तो इसलिए मेरे पास कुछ जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब में, जब भी मैं काम कर रहा हूँ इतना दिनों से, तो कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आपको कैसा लगा। मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और भी मोटिवेट भी करेगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने बोला। अभी आपकी मर्जी और कैसे लाइव स्ट्रीम यूट्यूब ऐप से करना है, मैं भी आपको ये भी बता दिया। इस वीडियो को लास्ट में और भी काफ़ी सारा वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिससे भी अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तब भी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो जो भी है मैं आपको पूरा हर डिटेल्स जितना हो सके अपनी तरफ से मैं आपको देता रहूँगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो अपलोड हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों आज लिखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।